अस्सलाम वालेकुम। आज का नया ब्लॉग सऊदी अरब वाज द वासर, खजूर की खेती। ये हमारे पीछे देख सकते हैं खजूर, और आप लोग को और भी दिखा रहे हैं। ये पूरा चारों तरफ दिखाओ कैमरामैन, खजूर यहाँ पे कितना है, कितना बीघा है दादा भाई? 40 बीघा। 40 बीघा में ये इतना बड़ा एग्रीकल्चर खजूर की, सॉरी 40 बीघा नहीं, 40 किलोमीटर पूरा। और ये हमारे हाथ में खजूर, मक्खी ने तो हमारी बजा रखी है, बहुत मक्खी है यार। हाय, ये हमारे प्रधान भाई। हाय हाय, आजा आजा, क्या हाल चाल है भाई, कैसे हो, ठीक हो? ये खजूर दिखा दो अयाज, काफी अच्छी क्वालिटी की है ये खजूर, सारी अंगूर के गुच्छे जैसी है। जूम करके दिखाओ, वाह माशाल्लाह। ये खजूर देखो, इसको बिल्कुल करीब से दिखा रहे हैं, ये देखो बिल्कुल अंगूरी। जाओ आप भी जाओ वीडियो में आ जाओ। चलो ये हमारे अयाज भाई हैं, पठान भाई उधर निकल रहे हैं, सादा भाई बहुत दूर चले गए। ये हमारे सादा भाई, वहीं से करो हाय। ये हमारे सादा भाई हैं, यहाँ के मसूल हैं। ये अयाज, पठान, आदिल किधर है? ये चारों तरफ मुमकिन 30-40 किलोमीटर, जिधर भी जूम कर लो खजूर के सिवा कुछ नहीं दिखने का। ये छोटे छोटे पेड़ हैं, छोटे पे भी देखो आपको खजूर दिखा रहा, ये देखो ये बिल्कुल इतना छोटा पेड़ है, यहाँ पे खजूर हर पेड़ पे है। एक पेड़ पे आया कम से कम कितनी खजूर होगी, कितना किलो होगी? कम से कम 10 किलो। 10 किलो खजूर की क्वालिटी बताता हूँ, ये जो यहाँ की खजूर है ना कच्ची, अभी जब ये पक्की होगी, थोड़ा सा कच्ची रहेगी और आधा कच्ची आधा पक्की, ये पूरे सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे ये, हाँ, इसको रतब बोलते हैं, सऊदी लोग बहुत शौकीन है इसके, चाय गहवा के साथ खजूर खाते हैं। ये कच्ची वाली खजूर जो पूरे सऊदी अरब, बहुत मीठी है, काफी मीठी है। फिर उसके बाद जब ये पक जाएगी ना, फिर उसको अलग से ये ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी ये 2 महीने तक पूरी कच्ची खजूर चलेगी, रतब बोलते हैं उसको। अभी टूटेगी रतब, जो पेड़ पे जाओ खजूर खजूर। देखो यहाँ पे ये छोटा पेड़ है, यहाँ पे भी खजूर है, ये देखो, और ये हर पेड़ों पे खजूर है। अच्छा, इसका इरिगेशन का सिस्टम कितना अच्छा है। और ये हमारे, ये बल्लू मिश्रा, ये सबसे लास्ट में थे। हाय। अच्छा कामरान भाई, ये चीज दिखाओ ना, हाँ। ये पानी का इरिगेशन सिस्टम देखो ना, पानी का पूरा वाटरिंग कैसे किया है। ये पानी का सिस्टम है, जितनी ब्लैक ब्लैक पाइप है देखो, उनके पैर के इधर है, कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस उसको इंजन स्टार्ट कर देना और पूरे पेड़ में पानी चला जाएगा आराम से। और ये जो रास्ता है, ये ट्रैक्टर बड़े बड़ी गाड़ी आने के लिए है, लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, यहाँ वर्कर काम करते हैं खजूर तोड़ने के लिए। आदिल भाई क्या बोलना है? कुछ भी नहीं बोलेंगे यार, थक गए। थक गए, इतनी बड़ी खेती है कि बंदा थक गया यहाँ पे। खेती और क्या बोलते हैं वो, एग्रीकल्चर है, ऐसा लग रहा है जहाँ से निकले थे वहाँ आ गए। काफी टाइम के बाद हाँ, रास्ता वही है। नहीं नहीं, रास्ता की बात नहीं, जैसे इंडिया से आए थे, हाँ इंडिया में आ गए, अपने गांव वाली फीलिंग आ रही है, अपने शहर वाली। सही है। अबे यार, तीन तीन पेड़ इसमें आ गए, खजूर ही खजूर यहाँ पे। अच्छा, इसको बांध रखे है यार तरतीब से। पूरी खजूर को देख रहे हो, ये देखो पूरी खजूर को बांधा हुआ है इन्होंने। ये खजूर में भी मेल एंड फीमेल आता है, पता है? हाँ, इसको क्रॉस कराने लगता है। हाँ। ये तो कहानी मालूम, अपन कितना पेड़ है, 1, 2, 3, 4 पेड़ है, और ये खजूर है। क्या गुप, एकदम भरा भरा है। अगर ये इंडिया में रहेगा तो बच्चे लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, चोरी कर लेंगे आधा तो आधा। इतना मिठास है ना इधर की, मक्खी परेशान कर रखी है, ये देखो। अयाज भाई मोबाइल पकड़ो, एक ही वीडियो शूट करते सामने। ये जैसे इधर आ, ये देख लो इसकी साइज क्या है, क्वालिटी क्या है, जूमिंग तेको मालूम है? कैमरे पकड़ के इधर 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 इधर, ये जो पॉइंट है ना, हाँ
ये देखो बस कम करो, थोड़ा सा कम करो, वो सब दिखेगी ना खजूर। ये देखो खजूर, ये जो खजूर है ना अभी जैसे ये हो गई, ये थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद ये टूटनी चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद इसको पैक करके ये पार्सल होगी। आ जाओ आ जाओ। ये है वाजदा वासर, सऊदी अरब। वासर एंजॉय करो। ये भी ये जो प्रोजेक्ट है ये है नादिक का, जहाँ पे हम काम करते हैं, ये हमारी कंपनी। ये भी नादिक का ही है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जहाँ से खजूर के जूस और क्या क्या, और प्लस ये भी बिकती है, घास है और क्या क्या प्रोडक्ट, आलू है, प्याज है, तरबूज है, तरबूज है, मतलब एग्रीकल्चर होता है यार। चारों तरफ कैमरा घुमाओ, कहीं से तुमको रास्ता नहीं दिखे, क्योंकि पूरा ये खजूर का ही पेड़ है। ये पूरा एक खजूर का एकदम बाग है, अच्छा बाग है वैसे। और पेड़ देखो कितने छोटे छोटे हैं, खजूर देखो, इधर इधर देखो, ये खजूर देखो, जूम करो, ये देखो ये कितना है, कम से कम एक गुच्छा जो होगा 4-5 किलो से कम का नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। मैं भी कितना है ये देखो, ये देखो सब बांध रखे हैं, कम से कम एक पेड़ पे 10-15 किलो से ऊपर है। और साथ साथ में खजूर की क्वालिटी बहुत अच्छी है कामरान भैया, कच्ची है पर बहुत मीठी है। अब ये 2 महीने तक रहता भी चलेगा ऐसे ही, खजूर आधी आधी कच्ची आधी पक्की करके इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये पेड़ की दिखाओ तो, जूम करो, ये देखो खजूर पे फोकस कर लो, इन लोगों के साथ में फीड करो। ये यहाँ पे खजूर चोरी करने आए हैं ये लोग, आज पकड़े गए, पकड़ो। ये यहाँ के आज चोरी पकड़ी गई, कितने दिन से ये पता नहीं चोरी, बताओ कितने दिन, ये ना रास कला, हाँ अनारास कला, मैं सफाई करने वाला हूँ। ये ये देखो हमारा भाई पेड़ काट रहा है। नहीं नहीं काटो नहीं काटो नहीं काटो यार, शादाब भाई को ले। हम तो कभी कभी आते हैं, ये हमारे शादाब भाई है, ये इधर के ये पूरे मसूल है। शादाब भाई रुक जाओ, यहाँ की जानकारी कुछ दो। शादाब भाई यहाँ की मिट्टी के बारे में बताओ। शादाब भाई रुक जाओ, यहाँ पे कितने साल से, रुक जाओ रुक जा, कितने साल से शादाब भाई? 6 साल से, 6 साल पहले भी रह चुके हैं ना, 12 साल हो गया ना, 12 साल यहाँ पे। क्या है ये सब, मतलब क्या है, है क्या खजूर है और क्या खजूर है हा? क्या देखते हो, ये सब देखते हो, ये शादाब भाई यहाँ के मसूल हैं और हमारे दोस्त हैं। ये हमारे यूपी के ही हैं, हमारे तुम्हारे यूपी है, बांग्लादेश। और वो जो स्टेडियम में नहीं, वो ऐसा ऐसा करके चीयर लीडर झुंझुना लग रहा है यार, वही लग रहा है, एंजॉय करो एंजॉय। और जैसे सिक्स लग या तेरी 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 बाल बाउंड्री लाइन के बाहर, कितना मिनट हुआ, काफी टाइम हो गया, 8 मिनट, 8 मिनट दिखा दिखा के लोग थक गए होंगे। हाँ हम नहीं थके, चलो बंद कर लो फलाट को।